नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट स्टनो के लिए आज का हमारा टॉपिक है उद्योग एवं उद्यमिता, जिसकी उच्च गति अभ्यास की सीमा होगी 100 शब्द प्रति मिनट। आशा है आप रेडी होंगे, आइए शुरू करते हैं। महोदय, जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो उस समय अनिवार्य रूप से उपयुक्त टेक्नोलॉजी से संबंध प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, यह तो अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग होगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूंजी प्रधान होंगे, इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई संबंध नहीं है। हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रधान हैं। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज यह देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं। यह बात एक दूसरे से कतई भिन्न क्षेत्रों पर भी लागू होती है, जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग अन्य स्थानों से आकर भारत में जो निवेश किए जा रहे हैं वे ठीक इन्हीं कारणों से किए जाते हैं और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है। ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझकर करें बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में अपेक्षित मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या है। उसी के साथ जहां पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजियां और उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन साथ साथ चलते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं। तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलॉजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजियों की भी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने की क्षमता पैदा करना। हमारे पास क्षमताएं हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का स्थान और कुछ नहीं ले सकता, तभी हम प्रतियोगिताओं का लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब अन्यत्र टेक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उनके पुराने पड़ने की दर भी बहुत ही ज़्यादा है। यह बात पूरी तरह स्वीकार की जाती है कि नियंत्रणों और परिमितों
की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा हो जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना है। मुझे यह देखकर सचमुच बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण काल में जब हम लाइसेंस राज से उदारीकरण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समायोजन हो रहा है।